करंट एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। डेफिनेशन से पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं। टाइम इज अलोंग एक्स एक्सिस, करंट इज अलोंग वाई एक्सिस। फर्स्ट ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ डायरेक्ट करंट, दिस इज डीसी एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एसी। डायरेक्ट करंट क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट करंट इज कॉन्स्टेंट और इट फ्लोज विद कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। और ऑल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्शन है वो भी वेरी करती है और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो भी वेरी करता है। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट करंट एंड व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? डायरेक्ट करंट, ए डायरेक्ट करंट इज दैट करंट विच फ्लोज विद कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। जैसा कि अभी हमने ग्राफ में देखा कि डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा और ये सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट, एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम एंड हुज डायरेक्शन रिवर्स आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज करेगा और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज करेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं हर्ट्ज। और आपको पता होना चाहिए कि इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज हर्ट्ज। जो हमारे घर है वहां पर डायरेक्ट करंट नहीं आता, वहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट आता है और इस ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब देखते हैं व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ नंबर ऑफ टाइम्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। मीनिंग ऑल्टरनेटिंग करंट नंबर ऑफ टाइम्स द डायरेक्शन ऑफ एसी चेंजेस इन 1 सेकंड। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड में एसी की डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है एसी की? फ्रीक्वेंसी इट इज ऑफ 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज आर द यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी? ऑल्टरनेटिंग करंट बेटर क्यों है डायरेक्ट करंट से? द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ओनली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप्ड डाउन बाई यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन है वोल्टेज को स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना। सो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ही हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। दिस मेक्स एसी मोर सूटेबल देन डीसी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। एक अगर हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट को सेंड करना है तो एसी इज मोर बेटर देन डीसी। और एसी में क्या, देयर इज वेरी लेस लॉस ऑफ एनर्जी। अब ऐसा तो नहीं है कि पावर स्टेशन के पास ही हमारा घर है और बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस में हमें एनर्जी मिलेगी। पावर स्टेशन तो बहुत दूर दूर है और हम सबके घर भी बहुत दूर दूर है। तो जो थर्मल पावर स्टेशन है या जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जब वहाँ से सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चलेगी और मेन से होती हुई आपके घर तक आएगी, तो जो एसी है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी इज वेरी स्मॉल। दैट्स व्हाई एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी। और जो ट्रांसफॉर्मर है वहाँ पर वोल्टेज स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा, तो ओनली अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ही हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। और सोर्स ऑफ, अगर हम लोग एसी की बात करें तो एसी जनरेटर इज एन सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और अगर आप डायरेक्ट करंट की बात करें तो जो ड्राई सेल है, जो रिमोट्स में बैटरीज में यूज होते हैं, ये ड्राई सेल एक सोर्स है डायरेक्ट करंट का। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, बाय एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी। आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में कौन से करंट की सप्लाई है, ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर सकता है, डायरेक्शन भी वेरी कर सकती है। और कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का एसी इंडिया के घरों में आता है? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का। तो एडवांटेजेस देखते हैं, इसके फायदे क्या हैं। द जनरेशन ऑफ एसी इज मोर इकोनॉमिकल देन डीसी। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसकी प्रोडक्शन जो है वो चीप है एज कंपेरिजन टू डीसी। मीनिंग एसी को जब हमने प्रोडक्शन करना है, इसको जनरेट करना है, तो ये कम कॉस्ट पर जनरेट किया जा सकता है एज कंपेरिजन टू डीसी। द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी ईजिली स्टीप्ड अप और स्टीप डाउन। जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है हम इसको स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। मीनिंग इसके जो मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा मैग्नीट्यूड भी ही जहाँ चाहिए वहाँ एसी ज़्यादा है वोल्टेज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का दे सकते हैं, और जहाँ पर कम वोल्टेज का एसी चाहिए वहाँ पर कम कर सकते हैं। मीनिंग वोल्टेज को हम लोग अप डाउन कर सकते हैं।
by using transformer. The alternating current can be transmitted to a long distance without any significant line loss. जो alternating current है जब आपके घर तक आएगा तो एक लंबा distance travel करके आएगा through mains. इसका मतलब है कि alternating current में loss of energy कम है as comparison to the DC. So DC में आप देख रहे हैं कि magnitude constant है, direction constant है, लेकिन alternating current में magnitude vary कर सकता है, इसकी direction भी vary कर सकती है, इसकी production जो है वो cheap है, वो थोड़ी easy है as comparison to the DC. और जब long distance में AC को transmit किया जाता है तो loss of energy भी क्या है, बहुत कम है. और alternating current को हम लोग up down भी कर सकते हैं by using the ट्रांसफॉर्मर. आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू. वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. मैथ साइंस के अदर वीडियोज देखने के लिए चैनल SSC प्रेपरेशन को विजिट करें. वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.